नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सोमवार 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, लेकिन अपराध के पुराने केसों में आईपीसी सीआरपीसी लागू रहेगी। नए कानून गजट अधिसूचना लागू होने के बाद किए गए अपराधों में लागू होंगे, यानी हत्या के पुराने मामलों की सुनवाई आईपीसी की धारा 302 के तहत ही होगी, लेकिन 1 जुलाई या उसके बाद हत्या का नया केस धारा 103 में दर्ज होगा। बता दें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब पुलिस हिरासत मौजूदा 15 दिन की सीमा से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। दरअसल इसी मुद्दे पर पूर्व जजों, सिविल सोसाइटी, मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई थी। प्रमुख बदलाव में भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों के लिए सजा कड़ी की गई है। इसमें शादी का झूठा वादा करने के मामले में 10 साल तक की जेल, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग में अब उम्र कैद या मृत्युदंड, स्नैचिंग में 3 साल तक की जेल से लेकर आतंकवाद विरोधी संगठित अपराधों को इसके दायरे में लाकर सजाएं कड़ी की गई हैं। सामान्य दंडात्मक अपराधों के केस में अब पुलिस लंबे समय तक आरोपी को अपनी कैद में रख सकेगी। ऐसे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। तीनों नए आपराधिक कानूनों से केंद्र सरकार किसी भी पक्ष को खुश नहीं कर पाई है। पिछले साल जब इस विधेयक को सरकार संसद में लाने वाली थी, उसी समय से इसका विरोध शुरू हो गया था। विपक्ष शासित राज्यों के दो मुख्यमंत्रियों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इन्हें स्थगित करने की मांग की थी। संसद में भारी विरोध हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों को सदन से निलंबित कर इन्हें सरकार को पास कराने दिया। ओम बिरला पर यह दाग इतिहास में दर्ज हो चुका है। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में ये तीनों कानून पास किए गए थे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस शुरुआत से ही इन कानूनों का विरोध कर रही है। सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर इन कानूनों की और सरकार के रवैये की निंदा की है। खड़गे ने कहा कि चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो कानून लागू हो रहे हैं वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए हैं। इंडिया अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली FIR सोमवार यानी 1 जुलाई को नई दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज कर ली गई। 3 नए आपराधिक कानून सोमवार को पूरे देश में लागू हो गए और इनमें से किसी एक धारा के तहत दर्ज किया गया यह पहला मामला है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे बाधा डालने और बिक्री करने के आरोप में स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक आरोपी की पहचान बिहार के 12 निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने को लेकर यूपी कांग्रेस ने कहा है कि देश में तानाशाह का राज आज से लागू हो गया है। संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार में 140 सांसदों को निलंबित कर जबरन लाए गए नए आपराधिक कानून का पहला शिकार गरीब व्यक्त हुआ है। दिल्ली में 2 वक्त की रोटी के लिए पानी बेचने वाले रेहड़ी पटरी दुकानदार पर नए आपराधिक कानून के तहत FIR हो गई है। नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकार हमेशा से गरीबों वंचितों की दुश्मन हो रही है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने ट्वीट कर कहा है कि 3 नए आपराधिक कानून लागू, अच्छे दिनों के काले समय की आपातकालीन शुरुआत। लोकसभा में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। वहीं स्पीकर ओम बिरला के द्वारा नीट विवाद पर चर्चा से इनकार के बाद इंडिया गठबंधन ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को विपक्ष के नेता नियुक्ति होने पर बधाई दी। इसके साथ ही कहा कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी ने इतने वर्षों में बिना किसी जिम्मेदारी के सत्ता का आनंद लिया, अब उनके पास पावर है और उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल पीएम मोदी की परीक्षा नहीं है बल्कि विपक्ष की आखिरी परीक्षा है। उन्होंने कहा कि अनुपस्थित जिम्मेदारी काम नहीं करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद परिसर में आज इंडिया गठबंधन दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी से पूछा है कि दिल्ली के सीएम ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या बीजेपी इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि CBI और ED के जरिए विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ED CBI का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, विपक्षी नेताओं को जेल में डालना बंद करो।
दलित राजनीति में भाजपा को मात देने के लिए विपक्ष अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद को लोकसभा डिप्टी स्पीकर पद के लिए बतौर प्रत्याशी पेश कर सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा गठबंधन है। इस गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजे दिए हैं। इसे और मजबूती देने के लिए कांग्रेस अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमत हो गई है। अवधेश प्रसाद का नाम विपक्ष ने दूरगामी राजनीति के तहत तय किया है। इंडियन एक्सप्रेस का सूत्रों के हवाले से कहना है कि अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी और डीएमके ने भी प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। भाजपा की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि हर राम भक्त भाजपा को वोट देगा। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हमें वोट नहीं देता है वो राम भक्त नहीं है। ये चुनाव नतीजे किसी लापरवाही का नतीजा है और कुछ नहीं है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। इसी को सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सड़क पर एक महिला की पिटाई करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ममता बनर्जी पर हमला बोला। एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर भीड़ के सामने एक महिला सहित 2 लोगों की पिटाई करने का खौफनाक वीडियो आया है। कहा जा रहा है कि ये सड़क पर न्याय दिया जा रहा है जहां ना कोई दलील होती है, ना कोई अदालत और ना ही कोई जज होता है, लेकिन सीधे सजा मिलती है। ऐसी बर्बरता को लेकर विपक्ष ने ममता बनर्जी पर हमला किया है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कहा है कि ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का कुरूप चेहरा है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का ये घिनौना चेहरा है। वीडियो में जो व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है उसका नाम तजमुल है। फ्रांस के संसदीय चुनाव में दूर दक्षिणपंथी दल नेशनल रैली को पहले दौर में बढ़त मिल गई है, जिसने फ्रांस की राजनीति में उनके दबदबे को पुख्ता कर दिया है और सत्ता के करीब ला दिया है। प्रवासी विरोधी नेशनल रैली की नेता मरीन ले पेन के ये कहते ही कि मैक्रों गुट का पूरी तरह से सफाया हो गया है, कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।